हेलो एवरीवन, आज मैं आप लोगों के लिए रीका की ये बनाना लाइपोसोलुबल वैक्स जो है इसका रिव्यू करने वाली हूँ। रीका ब्रांड जो है वो कुछ सालों पहले पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा कॉमन होना शुरू हो गया। इसको फ्रूट वैक्स भी कहा जाता है हमारे सैलॉन्स में, क्योंकि अपेरेंटली डिफरेंट फ्रूट के जो जैसे जिनकी बहुत अच्छी खुशबू आती है जैसे डिफरेंट फ्रूट्स की, तो वो इन वैक्सेस से आती है, तो इसको फ्रूट वैक्स भी कहा जाता है। मैं आज आपके लिए रीका की बनाना जो है वैक्स उसको रिव्यू करूँगी, क्योंकि मैंने बहुत सारी इसकी वैक्सेस को इस्तेमाल किया है, रीका ब्रांड की लाइपोसोलुबल वैक्सेस को, मगर उनमें से जो मुझे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्टिव लगी है वो ये बनाना लाइपोसोलुबल वैक्स है। बहुत सारे ऑरेंज कलर की वैक्स का भी इस्तेमाल करते हैं सैलॉन्स में, और ग्रीन कलर की रिका की वैक्स जो है उसका इस्तेमाल किया जाता है, मगर जो बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलते हैं वो बनाना वैक्स से मिलते हैं। याद रहे कि ये जो बनाना वैक्स है रिका की लाइपोसोलुबल, ये सेंसिटिव स्किन के लिए बिल्कुल भी नहीं है। अगर आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है तो आप इसका इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि जब आप इसको लगाएंगे और फिर स्ट्रिप इसके ऊपर लगाएंगे और उसको पुल ऑफ करेंगे, तो वो साथ साथ आपकी जो स्किन है उसको भी अपने साथ लेकर आ जाएगी। ऐसा हो चुका है, मैंने ये देखा है, मेरे आर्म्स पे स्किन सेंसिटिव है, तो ये स्किन अपने तो ये जब इसको मैं यूज़ करती हूँ तो स्किन मेरी रिप ऑफ हो जाती है, बट लेग्स पे बिकॉज द स्किन टेक्सचर इज़ डिफरेंट ऑन द लेग्स, तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देती है। बहुत माइन्यूट बाल जो हैं छोटे से छोटे, उनको भी रिमूव कर देती है रीका की ये बनाना की वैक्स। ये देखने में बिल्कुल वाइट है, क्योंकि ये वाला जो जार मेरे पास है इट्स सील्ड एक्चुअली, तो इसको मैंने अभी खोला नहीं है, मगर अंदर से आपको बिल्कुल इसका जो टेक्सचर है वो बहुत क्रीमी और बहुत वाइट, आपको वाइट कलर की ये वैक्स आपको मिलेगी और बहुत क्रीमी होती है। इसको आप क्या करते हैं कि वैक्स हीटर में डालते हैं। अगर आपके पास वैक्सिंग हीटर नहीं है तो आप क्या कर सकते हैं कि इसको आप फॉर एग्जांपल पानी बॉईल करें और इसको डबल बॉइलिंग मेथड के साथ आप इस टिन को रखें हॉट वाटर में, ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, और जब ये बहुत पतली कंसिस्टेंसी में आ जाए तो आप बहुत ज़्यादा गर्म भी ना हो तो आप फिर इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा गर्म होगी तो आपकी स्किन बर्न होगी, इसको ज़रा आप अपने ध्यान से रखिएगा कैसे। मैं मुझे ये जो है बहुत जब बहुत ज़्यादा हीटेड होती है और पतला इसका टेक्सचर होता है तब ये ज़्यादा इफेक्टिव लगती है, बनिस्बत इसके कि इसको ज़रा थोड़ा सा थिक रखा जाए। यूजली इसको थोड़ा सा थिक रखते हैं ये, क्यों, बिकॉज इट्स लाइपोसोलुबल, बट मुझे ये जो है वो ज़रा पतली कंसिस्टेंसी में ज़्यादा इफेक्टिव लगी ये बनाना की वैक्स। ये बहुत, मतलब आपने लेग्स पे अगर वैक्सिंग करनी है तो इसको आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ये स्ट्रिप वैक्स है, ये पर्टिकुलर स्ट्रिप वैक्स है, स्ट्रिप वैक्स होती है जिसको लगा के पेपर स्ट्रिप्स के साथ जो है रिमूव किया जाता है या कपड़े से रिमूव किया जाता है। इसकी एक रीका की एक और वैक्स भी आती है और वो भी वाइट कलर की होती है, वो चॉकलेट, उसके ऊपर चॉकलेट लिखा होता है, तो आई थिंक वो भी ऐसी है, सिमिलर है इससे, बट एक और वाइट भी आती है और दैट इज़ फॉर आई थिंक वैक्सिंग प्राइवेट एरियाज एंड एवरीथिंग, और वो स्ट्रिप वैक्स नहीं है, वो वाइट है मगर वो स्ट्रिप वैक्स नहीं है। वो मैं लेकर आऊँगी किसी दिन तो आपको दिखा दूँगी। वैसे मैं काफ़ी टाइम के लिए आई डोंट थिंक कि मैं वो वाली वैक्स का इस्तेमाल करूँगी जिसमें स्ट्रिप की ज़रूरत नहीं होती, क्योंकि आई ऑलरेडी हैव दीज वैक्सिंग बीड्स जो हार्ड वैक्स होती है, वेन आई रन आउट ऑफ देम तो मैं डेफिनेटली उसको भी ट्राई करूँगी, तो वो तो बस लगाते हैं और हाथ से उसको रिमूव कर देते हैं, मगर ये जो वैक्स है इसको किसी कपड़े की मदद से या किसी पेपर स्ट्रिप की वजह से, स्पेशली रीका के साथ आप पेपर स्ट्रिप यूज़ करें तो उसके साथ इसको रिमूव किया जाता है। बड़ी अच्छी टिन की पैकेजिंग है, ये एक्सपेंसिव है थोड़ी सी, 800-900 से लेके 1500-1400 तक आती है, ज़रा बड़ा साइज़ होता है इसके जार का, बट आई थिंक दिस इज़ इनफ फॉर टू यूज़र्स। अगर आप इसको बड़ा ध्यान से इसका यूज़ करें और बहुत ज़्यादा लिबरल ना हो तो ये आपको टू यूज़र्स के लिए, दो मरतबा फुल बॉडी वैक्सिंग के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हैं इसका आसानी से। वेट इसका लिखा हुआ है यहाँ पे क्या है, आई होप द कैमरा फोकसेस, या सो 100 ml का ये टिन है और बैक पे इसके प्रोसीजर सारा लिखा हुआ है डिफरेंट लैंग्वेजेस में सब कुछ, और बट मैंने आपको इसका प्रोसीजर बता दिया है। आप इसको गर्म करेंगे
और गर्म करने के बाद आप इसका इस्तेमाल करेंगे। और प्लीज़ आप ये जो मेटल के ऑब्जेक्ट्स यूज़ करते हैं या मेटल के स्पून्स का इस्तेमाल करते हैं, वो स्पून्स का आप बिल्कुल भी इस्तेमाल नहीं करें, क्योंकि वो स्पून्स जब हीट होती हैं तो उनके बैक से जो आप वैक्स लगाते हैं तो वो आपकी स्किन को बर्न कर सकते हैं। मेरे साथ ऐसा जो है ना हादसा हो चुका है। तो उसके बदले आप जो है थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट कर लें, मतलब 20-25 रुपये की ये इस तरह की ये जो स्ट्रिप्स हैं ये आ जाती हैं ना ही सुपर मार्केट से, जो लोग कराची में आसानी से आपको मिल जाएंगी। कितने की है ज़रा मैं देखूँ, ये देखिए 25 रुपये की है, ये एक ही काफ़ी है आपको। तो आप इनका इस्तेमाल कर सकते हैं इन स्ट्रिप्स का, और ये लकड़ी के आप वुडन स्पैचुलस से इन रिका वैक्स को या कोई भी वैक्स को अप्लाई करें, वरना जो मेटल है वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाता है। अच्छा ये होगा कि अगर आपने परमानेंटली घर में अपना एक सेटअप बनाना है वैक्सिंग का अपना पर्सनली, तो उसमें आप अपने लिए 4000 रुपये खर्च करके जो है अच्छा सा वैक्सिंग हीटर ख़रीद लीजिए, और वो आपके बहुत काम आता रहेगा। और अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते और अभी सेव अप कर रहे हैं, तो आप इसको डायरेक्टली जो है डबल बॉयलर मेथड जो होता है उसका इस्तेमाल करके, मतलब पानी, गर्म पानी के अंदर या बॉइलिंग वाटर के अंदर इस टिन को रख के और बड़े ध्यान से इस वैक्स को गर्म करें, ठीक है। तो वो ज़रा थोड़ा सा मेहनत का काम है, तो इसीलिए सजेस्ट यही करूँगी कि आप थोड़ी सा इन्वेस्टमेंट कर लें अगर घर में आपने वैक्सिंग करनी है एक वैक्सिंग हीटर में। That's about it. This was Rica's banana liposoluble wax for dry skin. Again, sensitive skin ke log iska istemal na karein, varna skin saath mein bahar aa jayegi. Bahut shukriya. Thank you very much.